हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वापस स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो यार एक और तो बस भाई, बाइसरन वैली वगैरह तो सब बढ़िया से हो गया। हम जाकर आ गए और आज से फारू वैली और ये सब बंद है। तो चंदनवाड़ी ये सब तो बेताब, पता नहीं। हम पहले बेताब जाएंगे। हाँ, बेताब से हमें इंक्वायरी होगी खुला या नहीं। हमें पहले डायरेक्ट बेताब जाना है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। बाकी अभी तक तो फिलहाल बंद है और बेताब ही चलते हैं। हमने अभी बेताब के लिए किया है और थोड़ा घूम के आते हैं यहाँ पे। और आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम इश्तियाक है सर। बस भैया अच्छे से घुमाना आप, ठीक है? ओके, बढ़िया। यस, विदाउट टेंशन। और यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है भैया? कौन टोटल? बेताब, बेताब, बेताब यहाँ से 14 किलोमीटर पड़ता है। 14 किलोमीटर के लगभग। तो दूर कौन सा है, चंदनवाड़ी दूर है कि बेताब? चंदनवाड़ी दूर है। उसका अलग रूट है ना? उसका ये रूट है, सेम टू रूट। अच्छा, इसमें एक ही रूट अलग है, चंदनवाड़ी से आरू वैली का। आरू वैली का, हाँ वही मेरे को ध्यान था। एक रूट कोई अलग है, बाकी अलग है, बाकी सेम है। हाँ, बाकी वही सामने के नजारे दिखाता हूँ आपको, रुको। और इस पूरे मार्केट का नाम क्या है भैया? पहलगाम मार्केट। पहलगाम मार्केट। अच्छा, ये कोई पार्क है कि रिजॉर्ट है? ये मंदिर है। सॉरी, कौन सा मंदिर है? रामा टेम्पल मंदिर। अच्छा अच्छा, फुल लगा हुआ है। अच्छा, अमरावती श्री गुरु शंकर चल भी रहा है। बढ़िया मॉडिफिकेशन करा रखी है आपने, बढ़िया है। देखो ग्रीन व्रीन यार, गंदी हो रखी है बहुत। कल कीचड़ के रहते ना, दो दिन बाद गई ना वो। अभी खरीदी लग रहा है। उस साइड बारिश हो रही है, बादल देखिए कैसा है। नहीं अभी नहीं हो रही, अभी कहीं नहीं हो रही। अच्छा, अभी नहीं हो रही। लगभग बच चुके हैं 1:03 और ये हम आ गए हैं बेताब वैली। और यहाँ पे भी एडल्ट का है 100 रुपीज एंट्री फीस और चिल्ड्रेन 6 to 50 का है 150 रुपीज। सॉरी, 150 रुपीज। बाकी ये एंट्रेंस गेट, चलते हैं आपको भी दिखाते हैं। तो भाई ये देखो, भीड़ देख रहे हो इस समय, क्योंकि ना चंदनवाड़ी खुला है ना आरू वैली खुला है। भाई भीड़ तो इस समय रहेगी रहेगी। और बाकी सामने से नजारे ये अच्छा हुआ भाई हम आ गए, बहुत बेहतरीन। हर ऐसा नहीं है कि भाई आप मिनी जो स्विट्जरलैंड जिसको कहते हैं बाइसरन वैली अगर आप घूम के आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि एक वो हो गया भाई सेम ही हर जगह। नहीं, सेम एक मैंने वो आपको दिखाया था, एक आप ये देखो। तो भाई सबके अपने अपने मजे है ना। ये खूबसूरती यहाँ पे है, ये देखो पूरे ऐसे रोड बने हुए है ना, चारों तरफ आगे वैली वैली है। फिर उसके बाद बाइसरन में कहता कि पूरा ग्रासलैंड पूरा एकदम, इसी कारण उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। इस महीने में घूमने वाला सबसे बढ़िया मौसम है अगर आपको ग्रीनरी देखनी है। लेकिन आप स्नो लवर हो तो भाई फरवरी टाइम आओ, तब तो भाई बहुत तगड़ी स्नो पड़ती है। अभी तो देखो
कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। जाने कब यार तू हो गया, यारी ही तो बस चाही थी पर प्यार क्यों हो गया। देखो देखो मैं यूं बेताब हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम भी तो हो लो जरा, धीरे धीरे आ दोनों कोई भरोसा नहीं है कब मौसम चेंज होता है। अभी तक बढ़िया धूप निकली थी और ये देखो अभी बारिश शुरू हो गई। फटाफट जाते हैं भाई अंदर, ये देख रहे हो पीछे का पूरा, अभी तक कितना क्लियर था, पूरे बादल आ गए। यही खूबसूरती है भाई पहाड़ की, कश्मीर की। तो बस भाई अपना बेताब वैली तो हो गया, अब बस चलते हैं। और एक और बात मैं बता दूं आपको, अगर आप बेताब वैली या कोई भी वैली जाते हो, अगर आप ये यूनियन टैक्सी लेते हो तो उसमें एक चीज़ रहता है कि आपको जैसे यहाँ के लिए 1 आवर है, 1 घंटे में आपको पहुँचना होता है। अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो फिर वो आपसे चार्ज करेंगे, और 1 आवर इनफ है अगर आप घोड़ा वोड़ा नहीं कर रहे हो तो। और एक और चीज़ बोल दूँ, अगर आप लाइक बाइसन वैली में आपने कर लिया है घोड़ा वगैरह, तो इट्स नॉट दैट नेसेसरी कि आप यहाँ पे भी करो। देखो ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये चीज आप पॉज करके पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है क्या नहीं। बाकी ये सुंदर बहुत लगता है, बीच में जाके आप जा भी सकते हो या मना करते हैं ऐसे, बाकी सही लगता है। बाकी भाई थोड़ा चाय वाय पीते हैं, यहाँ पे एक बढ़िया है, यहाँ पे समोसा दिया था बहुत ही ज्यादा टेस्टी, मात्र 20 रुपए में और बहुत ही मस्त आया। बस भाई बेताब से अब चलते हैं। हाउस बोट थोड़ा थोड़ा तुम भी तो हो लो जरा, धीरे धीरे आ दोनों दिल मिले, जरा जरा मिट जाए। बस भाई श्रीनगर तो पहुंच गए हम, और अभी आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देते हैं, बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो भाई ये होने वाला है लगभग हमारे 4 दिन का रूम, और यहाँ पे तो वॉशरूम वगैरह वो तो क्या दिखाना, डायरेक्ट दिखाते हैं गैलरी का व्यू आपको। ये देख रहे हो ये सामने का रूम है, पहले हमको वो दे रहे थे पर फिर जब मैंने ये देखा मैंने कहा नहीं ये सही है, क्योंकि बगल में मम्मी पापा की भी गैलरी है और यहाँ से हमको चारों ओर का व्यू मिल रहा है भाई। और बाकी मैं बता दूं भाई कि कितने का हुआ था सब कुछ, तो हम बाइसरन वैली गए थे, वहां पे हम लोग का लगा था लगभग आप मतलब वो ही है भाई, जब आप सुबह आ रहे हो तो वो बहुत कम कर देंगे, 2000 तक भी आ जाएंगे, 3000 का या कितना भी आप कर लो है ना, मतलब मैक्स वो 1500 नीचे आ सकते हैं, उससे नीचे तो नहीं आएंगे। बाकी आप कम करना जरूर, कम आप करो कोई दिक्कत नहीं है। और हम जब वहाँ गए थे जो टैक्सी स्टैंड होते हैं लाइक वहाँ पे यूनियन टैक्सी चलती है अरुण वैली, बेताब वैली और चंदन वैली के, पर ए और सी वैली तो भाई बंद थी, तो हम से बेताब वैली गए थे भाई, वो बहुत ही बढ़िया थी। और अगर आप बाइसन वैली में अगर आप घोड़े कर रहे हो ना, तो आपको कोई मत करना यार वहां पे जाके बेताब वैली में, घोड़े वोड़े कोई जरूरत नहीं है, बहुत है भाई बढ़िया है। अब आपकी मर्जी, आपका मन कर रहा है करने का तो आप करो, उसमें तो वो भाई आपका पैसा,
बाकी यहाँ से अगर बात करें, हमसे बेताब वैली गए थे इको में, तो वो पड़ा था हमको हजार रुपए पड़ा था। वो आपको गाड़ी टू गाड़ी डिफर करता है कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी बड़ी गाड़ी, ज्यादा लोगे तो बड़ी गाड़ी ले लो इनोवा टाइप, तो आपकी मर्जी है। बाकी ये व्यू तो भाई है ही खतरनाक। ठंड यहाँ पे भी उतनी है जितनी थी, क्योंकि यहाँ पे पूरे कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है अब पूरे श्रीनगर पूरे कश्मीर में। तो बाकी पैर एक तो भाई बोल रहे हैं इतना, बहुत अकड़ रहे हैं एकदम। अभी मैं ऐसे लिया हुआ ना, दर्द हो रहा है मेरा हाथ। तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और इस होटल के बारे में पता चलेगा और कैसे फैसिलिटी है यहाँ पे, और मैं आपको पूरा पूरा सच इस होटल के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा, और आगे की हम कल जाएंगे गुलमर्ग, वो भी व्लॉग आएगा जल्दी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। कौन सा गाना गा रहे थे पापा? देखिए ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, यही कश्मीर है, देखिए ये कश्मीर।